तो पहले खाउसे के लिए हम बनाएंगे इसका मसाला। तो मेरे छोटे से मिक्सर में इसका पानी निकाल देती हूँ। दस से पंद्रह सूखी लाल मिर्ची डाल रहे हैं, कश्मीरी मिर्ची। इसमें डालेंगे आठ लहसुन की कलियां, चार छोटे चम्मच धनिया के, दो छोटे चम्मच पूरा जीरा, और हाँ, और इसमें हम नारियल भी डालेंगे, तो बिल्कुल गोयन महाराष्ट्रीयन करीज जैसे बन रहा है। तो इसको बनाते हैं एक अच्छी सी पेस्ट। तो मैं इसमें दो चम्मच पानी डालने वाली हूँ, लेकिन ये आपके मिक्सर पर डिपेंड होता है, ताकि ये अच्छी तरह से मिल जाए। तो ये हो गया है। मुझे एक काफी मोटा पेस्ट चाहिए, बहुत स्मूथ नहीं। तो ये जैसे आप देख सकते हैं अच्छी तरह पिस गया है, लेकिन ज्यादा पतला नहीं है। तो ये हमारा मसाला तैयार है। चलिए शुरू करते हैं खाउसे बनाना। इसको एक बोल में निकाल देते हैं। तो पहले हम डालते हैं दो बड़े चम्मच तेल, एक कप प्याज और इस मसाले को भी अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे चार बड़े चम्मच बेसन, तीन चार, और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, लेकिन ध्यान से बेसन जल ना जाए। तो चलिए, बेसन काफी अच्छी तरह से भून गया है, तो चलिए डालते हैं चिकन स्टॉक। मैं इसमें दो कप चिकन स्टॉक डालने वाली हूँ, और अगर आप इस डिश को वेजिटेरियन बना रहे हो तो इस वक्त वेजिटेबल स्टॉक डालिए। इसको मैं अच्छे से मिला रही हूँ। तो इस वक्त हम डालेंगे चिकन के पीसेस और गाजर। ये है दो बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है, और दो गाजर, जिनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया है। डेढ़ छोटा चम्मच नमक, और इसको एक बार अच्छे से उबलने दीजिए। तो इसको 5-10 मिनट लगेंगे पकने के लिए। मैं चिकन को ढक लेती हूँ, और अब वक्त आ गया है खाउसे में नारियल का दूध डालने का। ये जो मेरे पास है, ये एक नारियल का दूध है, और खाउसे में डालेंगे। डालते ही देखिए कलर कैसे बदल जाता है, और फ्रेग्रेंस भी, वाओ। ये आप सिर्फ नारियल के दूध के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा गाढ़ा खाउसे चाहिए। तो मुझे ये नारियल का दूध बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। इसे स्टॉक के साथ इसको निकाल देती हूँ। जैसे आपने देखा, ये बहुत ही गाढ़ा नारियल का दूध है। तो हमारी डिश ऑलमोस्ट रेडी है, बस एक मिनट के लिए पकने देते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ये बिल्कुल पीला कलर का हो गया है। टेस्ट करते हैं। डिलिशियस, बिल्कुल ही यमी है, और वो सारे टॉपिंग्स के साथ तो ये लाजवाब बन जाएगा। अब ये पक चुका है, आप देख सकते हैं कि चिकन पूरी तरह पक गया है। तो हम इसे बंद कर लेते हैं। पहले मैं इसमें डालने वाली हूँ ये नूडल्स। तो जब आप खाउसे परोसेंगे, ये सारे टॉपिंग्स टेबल पर रख लीजिए, और आपके गेस्ट को डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या क्या चाहिए। और इस नूडल के ऊपर जाएगा ये डिलिशियस खाउसे का सॉस। थोड़ा सा हरा प्याज,
फ्राइड अनियन जो मेरा फेवरेट टॉपिंग है, क्योंकि ये क्रंच भी देता है और एक मिठास भी। एक बॉइल्ड एग, तला हुआ लहसुन, धनिया जो इस डिश को एकदम फ्रेग्रेंट बना देती है, मूंगफली, मुझे तो मूंगफली सारे खाने में पसंद है, और ये सेव है। अगर आपके पास सेव ना हो तो आप भुजिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इस डिश को फिनिश कर लेती है। तो ऊपर से नींबू का रस, यम्मी। तो ये है मेरा गर्मा गर्म खाओ से तैयार। Food, food, it's sizzling.